করে দিলো খুবই ঝগড়া মানে কিন্তু বহুত ফালতু মানে ইতনা খারাপ গানা মানে আজ তক নেই দেখা হ্যা জ্যাকলিন ইতনি বড়ি স্টার আসিম কে সাথ বিগ বস ওয়ালে কে সাথ বেকার জি মানে প্রীতম সিং আর লোক প্যার সে প্রীতম প্যার ভি কেতে ফিল্মি উইন্ডো দেখো আও টিকিট কাটাও আপনি বালকনি চাই রিজার্ভ চাই স্টল চাই বলো কে চাই পহলে তো ওয়েলকাম টু ফিল্ম উইন্ডো আপ ফিল্ম উইন্ডো জি বিলকুল আচ্ছা খোলে আর উইন্ডো খুলি ফিল্ম উইন্ডো ফিল্ম উইন্ডো মানে বচপন মে জো টিকিট উইন্ডো হতি থি না ও সে রিলেট হতে না ফিল্ম উইন্ডো আমার मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार आपने बिग बॉस बहुत ज्यादा फॉलो किया और आसिम का भी सपोर्ट आपने बहुत ज्यादा खुलकर किया है। हाँ, मैंने सबका सपोर्ट खुलकर किया है। जो व्यक्ति अच्छा चले मैं उसका सपोर्ट करूंगा, स्टैंड लूंगा हर किसी का। और ऐसे में अब आसिम का गाना आ चुका है, आसिम का गाना आ चुका है, मायरा और पारस का भी गाना आ चुका है। आपने बोलो आप बोलो मैं बोलता हूँ, आपने दोनों गाने बहुत ही फालतू गाने हैं, कमाल है। अरे आसिम दिखी नहीं रहा, आपको ट्रेन करवा दीजिए लो, इतना खराब गाना मैंने आज तक नहीं देखा है। जैकलिन इतनी बड़ी स्टार आसिम के साथ बिग बॉस वाले के साथ बेकार। नहीं, नहीं, नहीं अच्छा है और सीरियस नोट बहुत अच्छा है और जैकलिन बड़ी खूबसूरत लग रही है एज यूजुअल। आसिम कमाल भाई, बॉडी बॉडी बड़ी मेहनत की रखनी और अच्छा दिख रहे हैं। थोड़ा लोग जो है उनके फैंस जो है थोड़ा निराश है उनसे, क्योंकि वो जो है कम दिख रहे हैं वीडियो में। अरे गनीमत दिख तो रहे, गनीमत आ तो रहे, ऐसे बहुत सारे जो भोले बिसरे गीत हो गए लोगों की नजरों में उड़ गए हैं, भाव में नहीं है, लोगों की नजरों में नहीं है, चर्चाओं में नहीं है। एटलीस्ट आसिम तो है और महिरा और पारस का क्या कहना, उनका भी वीडियो आ गया है जिसमें वो कुछ शादी वादी करने के दिख रहे हैं, शादी करेंगे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मैंने वीडियो आधा ही देखा है। तो अच्छा है, बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ देम, अपना करियर अच्छा करें, बढ़िया करें। अच्छा, अगर दोनों गाने में अगर कंपैरिजन की बात की जाए, कैसे कंपेयर कर दूं? तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि भैया जो गाना उन्होंने उठाया जैकलिन वाला गाना जो है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बच्चन साहब की फिल्म का गाना, बच्चन साहब पे पिक्चराइज किया गाना है, आई एम नॉट रॉन्ग, वो गाना अब उसमें और उसमें कंपेरिजन हो नहीं सकता, जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप बोलोगे ये घी है देसी घी है और ये बोलेगी नॉर्मल घी को कैसे, मतलब पछता नहीं ना, तो देसी घी के बारे में बातें हो रही। तो हाँ, लेकिन अगर दोनों गाने अपने अलग अलग हैं और माहिरा और पारस का गाने भी बिल्कुल अलग है, लव स्टोरी है उस गाने में जो बिग बॉस से शुरू हुई है, कंफर्म पता नहीं होगी कि नहीं होगी आगे जाकर, क्योंकि दोबारा मिले तो दोनों साथ मिलना, ऐसा नहीं कि अरे तुम किसके साथ और तुम किसके साथ, ये कब हुआ? ऐसा हुआ है हमारे जब हम बिग बॉस में थे तो एक कपल का प्यार चला था, परवान चढ़ा था, फिर मेरे फादर ने उनको शरण भी दिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो बदल गया। तो ऐसा ना बदले ना। और हिमांशी और आसिम का भी एक सॉन्ग आ रहा है, उसके लिए एक्साइटमेंट है। अरे मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं तो टीवी के आगे बैठा हूँ, मतलब मैं रात दिन मैं माला ही जप रहा हूँ कि आसिम और हिमांशी का जो गाना है, पागल हो गया, बाल नोच लूंगा मैं, मतलब यही इसी चीज के लिए पैदा हुआ, मेरा जन्म इसी चीज के लिए हुआ है कि मैं माहिरा और आसिम के उस गाने का इंतजार करूं, पागल होने का, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट, क्रेजी हो रहा हूँ, आई लव। अच्छा, कलर्स की बात हो रही है तो उसपे एक और शो आ रहा है, मुझसे शादी करोगी? क्यों करोगी मुझसे शादी, क्यों करोगी? तुम झूठी हो, क्यों बैठी तुम शादी के मंडप पर जब तुम्हें शादी नहीं करी, झूठी पारस क्यों बैठा जब तुझे प्यार नहीं था? और वन साइड चल रहा है, ये वाला साइड हो गया कि भैया कास्टिंग तो मैं करूंगा, हमें शादी करनी, कास्टिंग नहीं करनी, फिल्म की सीरियल नहीं बनाना है। जितने भी उसमें कुछ बंदे शनाज के भी आए, हाँ, बदला जा रहा जी, शाहरुख खान बना हुआ तो, मेरा दोस्त है वो जी, बात की करता पे तू, तेरे कुड़ियां की कमी है, तू शादी वास्ते चला गया है? नहीं, बट कुड़ी बड़ी चंगी है, सुंदर बहुत है यार वो, और क्यूट भी बहुत है, लेकिन वो खुद ही डिसाइड कर रही है, वो खुद ही जज है, खुद ही वकील है, खुद ही पैरवी करूंगी, खुद ही बात करूंगी, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाता है, शादी करनी है, शादी का शो कर रही है शहनाज, लेकिन प्यार उनको किसी और से है, बताओ क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सिद्धार्थ शुक्ला उधर दूसरी ओर बोल रहे कि ये मेरी दोस्त है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दाल में कुछ काला है, नहीं दोनों को आना चाहिए, अगर शादी करनी तो ऐसा कुछ करो कि सब दरकिनार करो, इन दोनों की शादी करो, फिर नेशनल न्यूज बनाओ, फिर ये तीन चार दिन चले, हम भी थोड़ा रिलैक्स हो कि न्यूज और कुछ नहीं देख रहे, हम सिद्धार्थ और शहनाज की शादी देख रहे हैं, हम भी आए, मिठाई खाए, भांगड़ा पाए, ये होना चाहिए ना, पर ये हो नहीं रहा।
गलत है, दोनों को अलग अलग शादियां करवा रहे हैं ना, कलर्स वाले भी गेम ले रहे हैं उनकी, साथ में होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि दोनों का कोई शो एक साथ आए, ऐसे आ जाए, अल्लाह आने को आ जाए, लेकिन ऐसा कोई शो आए जो नया हो, ऐसा कोई पुराने शो को रीमेक करें और आप बोलेंगे हम केमिस्ट्री दिखाएंगे तो गलत करेंगे। मुझे पता चला है कि वो कोई शो लेकर के आ रहे हैं जो कि कौन सा दिल से दिल तक, रश्मि देसाई थी पहले और सिद्धार्थ शुक्ला थे, नहीं वो केमिस्ट्री दोबारा नहीं देख सकते आप, उनके लिए वो उन्हीं से होगी केमिस्ट्री, या तो कॉमेडी शो ना। अच्छा अगर आपकी बात की जाए तो सिद्धार्थ की जोड़ी आपको ज्यादा पसंद है या सिद्ध और रश्मि की, दोनों कौन एज अ कपल कौन एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं? सिद्धार्थ और रश्मि की और सिद्धार्थ और की, दोनों अलग अलग है यार, मतलब वो बड़ा कैसे कैसे जोड़ी, मैं चाचा बैठा हूँ यार, शादी करवाऊंगी इनकी, हाँ मैं वो करा तो चाचा हूँ जिसको बुलाया नहीं, जो फुप्पा बैठे हमें नहीं बुलाया शादी में, मैं फुप्पा हूँ, ये कैसे सवाल हुआ? कैसी लगती जोड़ी? अच्छी लगती जोड़ी, जब तक तो वो बिग बॉस में अच्छी थी, वो जो लड़ते भी थे तो भी अच्छी थी, नहीं लड़ते तो भी अच्छी है, जो काम करेंगे तो भी अच्छी, नागिन बन गई है, मेरे को चलता चला रही है, अरे क्या कमाल की नागिन बनी, खूबसूरत हो गई यहाँ के बाहर, जब से आई है तब से और खूबसूरत हो गई, थोड़ा वेट रिड्यूस किया उन्होंने, चलिए अच्छी नागिन अकेले सपो ले गए, कहीं उनके पास चाबी तो नहीं है। तो इस नागिन को देखने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं? अरे मैं पागलों की तरह इंतजार कर रहा था कि जब रश्मि देसाई बाहर निकले और नागिन शो फिर से आया और रश्मि देसाई को नागिन देखूं, मैं तो पागल हो रहा था इस दिन के लिए, मैंने कैलेंडर में डेट भी नोट करके रखी है कि इस दिन ये फलाने तारीख को ये नागिन बनेगी और फिर मैं नाग पंचमी में नागों को दूध पिलाऊंगा, मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ इस चीज से। एज अ नाग अगर आपको ऑफर एज अ नाग मैं जाना पसंद करेंगे? अरे रश्मि देसाई जैसे नागिन हूँ तो नाग कौन क्यों नहीं बनेगा, पर मुझे आप वो बनाइए तो मंगूस मंगूस वो सांप और नागिन की लड़ाई होती है वो बनाइए, मैं बहुत ही कमाल का मंगूस बनूंगा, इरिटेटिंग जैसे शो भी आपको ये शादी करोगी मुझसे शादी करोगी बहुत इरिटेटिंग, इसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि बहुत इंतजार कर रहा था इस शो का, हाय ये आ गया, मैं तो खाना भी इसी के सामने बैठ के खाता हूँ तो पागल हो जाता जब ये शो आता है। जाते जाते क्या कहना चाहूंगा, मैं तो फिर बिग बॉस का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने काम ही करना छोड़ दिया, मैं सिर्फ बिग बॉस का इंतजार करता हूँ, बिग बॉस खत्म हो गया है तो अभी अगले साल के बिग बॉस के लिए मैं अभी से बैठ गया हूँ, थीसिस कर रहा हूँ, पूरे नोट्स बना रहा हूँ कि मैं किसको गाली दूंगा किसको नहीं दूंगा, किस चीज को ट्रेंड करूंगा किस चीज को ट्रेंड नहीं करूंगा, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, नहीं पहले ही मेरी प्रिडिक्शन होगी नंबर पांच पे कौन होगा नंबर दस पे कौन होगा, तो ये सब मैंने अभी से अपना होमवर्क करना चालू कर दिया, आई पास इन दिस एग्जाम। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो प्रेडिक्शन पहले से होती है वो सही साबित होती है? हाँ होती तो है, समझदार लोग हमारे जैसे प्रेडिक्शन करते हैं सही होती, काफी हद तक मेरी प्रेडिक्शन तो बहुत सही थी, पूरा काम छोड़ दिया, मतलब शूटिंग ही छोड़ दिया था मैंने, लोगों में काम नहीं करूंगा क्यों, मुझे बिग बॉस आ रहा था, मैं सिर्फ बिग बॉस देखूंगा बैठकर, मेरा पूरा घर परिवार सबके काम छुपा देता हूँ बोलने में, मैं बिग बॉस रामायण से कम नहीं, रामायण जैसे उन दिनों जब रामायण था तो बिग बॉस आज के जमाने का रामायण है, इसमें हर वो आप भाव देख सकते हैं प्यार का, हर वो सारो नौ सुर देख, नौ सात सुर होते, क्या इतने सुर भूल गया, सात सुर होते हैं नौ रस होते हैं, उस सब नौ रसों का निचोड़ जो है जिन रामायण में था, हमें रामायण जो है सोसाइटी के बारे में किस तरह से अपने आप को जागरूक करना, किस तरह से रहना रहना सहना, एक मियां बीवी के बीच में जो सब 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 जो था, एक भाई का भाव, वो सब जो है ना रामायण में देखा, अब वो रामायण के बाद अब हम बिग बॉस में देखते हैं, यहाँ रिश्ते बनते हैं, कोई कोई भाई बना हुआ है, कोई बहन बनी हुई है, कोई गर्लफ्रेंड बनी हुई, कोई सुखनखा बनी हुई है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना हुआ है, रामायण है अच्छा, तो मैं अपने घर वालों को बोला, बच्चों को बोले बेटे नहीं स्कूल नहीं जाना है, घर बैठेंगे चार महीने हम घर बैठेंगे, हम बैठ के बिल्कुल बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का वेट कर रहे हैं, पागल की तरह। तो क्या लगता है इस बार जितनी अच्छी कास्टिंग की होती है भी के मामले में भी बहुत अच्छा था, तो अब जो सीजन 14 आ रहा है तो उसमें क्या लगता है? मतलब पागल की तरह मैं तो बोल रहा हूँ, सबको ले आओ, सारे नेताओं को लाओ और डिबेट चले, सीएसआई की सीएसआई नहीं बस उस पर डिबेट चले, पागलों की तरह बहुत मजा आया, आनंद आया, सबको भरो, जो खाली एक्टर है सबको भरो, स्टार्स को भरो, थैंक यू सो मच।